वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देखा था कि हमने बल तथा गति के नियम पार्ट के बारे में शुरुआत किए थे, और पिछले वीडियो में हमने बल और बल के प्रभाव के बारे में सीखा था। आपको ये भी बताए थे कि बल और गति के बीच में संबंध कैसा है। संबंध का मतलब, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे हम बल लगाकर उसे गति अवस्था में ला सकते हैं, या कोई वस्तु गति अवस्था में तो उसे हम बल लगाकर विरामावस्था में ला सकते हैं। तो कहने का मतलब, हम बल और गति के बीच में संबंध को भी सीखा, बल के प्रभाव के बारे में सीखा, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गति के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, गति के जो नियम है उसको न्यूटन ने दिया था। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गति के बारे में 3 नियम दिए हैं। तो उनका पहला नियम क्या है? अगर गति के पहले नियम की बात करें तो न्यूटन ने कुछ इस तरीके उसको एक्सप्लेन किया है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहना चाहती है, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहती है, तब तक रहना चाहती है या रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह बल लगाकर उसे रोका या तो गति में न लाया जाए। तो कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु है, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहती है, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक बाह बल लगाकर न रोका जाए या गति में लाया जाए। तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में, परिवर्तन के विरोध के गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है। दूसरे लॉ की बात करें तो जो सेकेंड लॉ है, इसको फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्यों जड़त्व का नियम कहते हैं? क्योंकि जड़त्व के बारे में जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, उसका सीधा संबंध पहले लॉ के साथ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा लॉ क्या है। गति का दूसरा नियम, अब देखिए कोई वस्तु ले लीजिए जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और यह v वेलोसिटी से मूव कर रही है, गति कर रही है। फिर से समझने की कोशिश करिए, आपने कोई वस्तु लिया जिसका द्रव्यमान m है और वह v वेग से गतिशील है। अगर हम इसका संवेग की बात करें, जो पिछले वीडियो में आपने सीख रखा है, संवेग क्या होता है फिर से बता देते हैं। इंग्लिश में इसको मोमेंटम बोलते हैं, और वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो संवेग को मोमेंटम कहते हैं और मोमेंटम को एमवी क्या है? आपका मोमेंटम है। तो कहने का मतलब, यदि हम गति के दूसरे नियम को एक्सप्लेन करें तो हम पाएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु है उस पर एक बल लग रहा हो जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गति कर रहा हो, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। mv क्या है? ये संवेग है। संवेग के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो
अब आप F इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दीजिए और एम वी। कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, संवेग। और जो दूसरा नियम कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग के समय दर परिवर्तन को ही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो अब इस पे क्या हो जाएगा, आप यहां से टी से डिवाइड कर दीजिए तो आप क्या पाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम और वी अपॉन टी। क्या है, वी आपका वेग है और टी समय है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए। ए आपको क्या मिल गया, त्वरण। तो कहने का मतलब आपको एफ इज इक्वल टू एम में, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फिर से समझने की कोशिश करिए, जो गति का दूसरा नियम है वह संवेग के समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, वो समानुपाती होता है। कहने का मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग, और समय के साथ परिवर्तन हो रहा है इसलिए आप टी से डिवाइड कर देंगे तो वी अपॉन टी को हम ए लिख सकते हैं, और ये आपको क्या मिल गया, तो एफ इज इक्वल टू एम में, ये आपका गति का दूसरा नियम है। यदि हम तीसरे नियम की बात करें, हर एक क्रिया पे एक प्रतिक्रिया मिलती है जिसे न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में रखा था। कहने का मतलब यदि आप दीवार पे 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो दीवार भी हमारे ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाएगी। यदि हम पांव से पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो पृथ्वी भी हमें 10 न्यूटन का बल लगा रही है। तो कहने का मतलब हर एक क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। तो अगर इस एग्जांपल देखेंगे तो कोई भी बंदूक है उससे बुलेट जिस फोर्स से या जिस बल से आगे जाती है उसी बल से आपकी जो बंदूक है वो पीछे आती है। आप कभी नाव में अगर चढ़े हों तो नाव में जैसे पांव स्थल से नाव की ओर पांव रखते हैं तो जितने बल से आप स्थल पे धक्का देते हैं उसी बल से नाव भी आप पे धक्का लगाते। तो कहने का मतलब ये सारे ऐसे एग्जांपल जो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को कवर करते हैं। फिर से समझ लीजिए, गति का पहला नियम क्या है, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के तहत यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो वह गति और विरामावस्था में बनी रहना चाहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह बल लगाकर परिवर्तन में ना लाया जाए। दूसरा, गति का दूसरा नियम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग के समय दर परिवर्तन को हम गति का दूसरा नियम कहते हैं। आप इस समीकरण से समझ लीजिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी, v की परिवर्तन हो रही है संवेग के साथ, तो आप v की जगह पे t रख दीजिए, v अपॉन t, तो आप पाएंगे v और t को रिप्लेस कर देगा क्या, a के साथ, तो आप पाएंगे f इज इक्वल टू एम ए। ये गति के दूसरा नियम से आपको प्राप्त हुआ। और गति का तीसरा नियम क्या है, हर एक क्रिया पे एक प्रतिक्रिया होती है जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है। तो इस तरीके सारा हमने गति के तीनों लॉ को पढ़ा। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को कुछ इस तरीके भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक क्रिया पे एक प्रतिक्रिया वो भी विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब यदि कोई बल आप किसी वस्तु पर लगा रहे हैं तो तीसरे नियम के तहत माइनस का एफ आप पे भी लगेगा। माइनस क्यों यहाँ लगा, माइनस विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रही है। कहने का मतलब यदि मैं 5 न्यूटन का दीवार पे बल लगाऊं जो दीवार की दिशा में है तो दीवार हमारे हाथ की तरफ 5 न्यूटन का बल लगाती है, तो इसको आप न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरीके प्रदर्शित कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया पे विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है या तीसरा नियम कहा जाता है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस का एफ, माइनस क्यों लगा, ये माइनस साइन दिशा को विपरीत दिशा बताने के लिए लगाया गया है।
देखिए क्वेश्चन पहले में क्या दिया है, किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगी। तो जब आपको न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो सबसे पहले जो डाटा दिया है, जो उपलब्ध है, आप सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो आपका 8 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है, तो सबसे पहले क्या मिल गया आपका द्रव्यमान, जिसको आप एम से निरूपित करते हैं, कितना दिया है 8 किलोग्राम, जिसका आपका त्वरण दे रखा है, त्वरण जिसको आप ए अच्छा से निरूपित करते हैं, और दे रखा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, आपका बल क्या है निकालना है। तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में या गति के दूसरे नियम में एक संबंध पाए थे फोर्स और एम ए के बीच में, वो संबंध क्या था, एफ इक्वल टू एम ए। आपके पास एम है, ए है, एफ आसानी से निकाल लेंगे, एम कितना है 8 केजी, ए कितना है 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो आप इसका गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 832 न्यूटन ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो सबसे पहले आप उसे डाटा कॉपी करिए, फिर आप उस डाटा को कुछ से संबंधित फार्मूले से रिलेट करके आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि जब न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले दिया हुआ डाटा को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया, 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो आपको क्या मिल गया, आपको द्रव्यमान मिल गया, जिसको आप एम से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 5 किलोग्राम, ठीक है। दूसरी चीज, 15 न्यूटन का बल लगाने से, तो आपका बल मिल गया जिसको आप एफ से दिखाते हैं, और वो कितना है 15 न्यूटन, ठीक है। अब आपको त्वरण क्या होगा, जिसको आप ए से दिखाते हैं उसको आपको पूछ लिया। तो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से या गति का दूसरा नियम से जो संबंध पाए थे एफ इक्वल टू एम ए का उपयोग करना है। एफ कितना है 15 न्यूटन, एम कितना है 5 किलोग्राम, और ए आपको निकालना है। तो ए इक्वल टू 15/5 आप काट देंगे तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके बुक में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आप उनको लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या चर्चा किया, हमने इस वीडियो में गति के तीनों नियम के बारे में चर्चा किया, सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशन बाहर निकल के आया एफ इक्वल टू एम ए, उसके बारे में चर्चा किया, और गति का जो तीसरा नियम है एफ इक्वल टू माइनस का एफ, इसके बारे में चर्चा किए। तो ये दो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, बाकी न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें। धन्यवाद।